देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आयकर विभाग ने नोएडा में 9000 लोगों को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010-11 में 30 लाख रुपए और उससे अधिक की संपत्ति अपने नाम रजिस्टर कराई है। इसका विवरण आईटी विभाग को नहीं दिया गया। इन 9000 लोगों में उनकी इनकम टैक्स रिटर्न का विवरण मांगा गया है। बता दें कि इस नोटिस को नोटबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस किस ने गलत तरीके से अपना टैक्स बचाने की कोशिश की है। इस नोटिस से इन 9000 लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों को लगातार नोटिस जारी कर हिसाब मांग रहा था। इन 9000 लोगों ने अब तक आयकर विभाग में फ्लैट खरीदने संबंधी का ब्यौरा नहीं दिया है, लिहाजा आयकर विभाग ने इन लोगों को नोटिस जारी कर इनके आयकर रिटर्न की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आयकर विभाग ने कई फ्लैट खरीददारों को नोटिस जारी कर ब्यौरा मांगा था। ऐसा बताया जा रहा है कि आयकर विभाग इसके जरिए रियल इस्टेट मार्केट में काले धन की जाँच कर रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नोटिस के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।